हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं कि अगर आप MBBS एब्रॉड जाना चाहते हैं तो किन चीज़ों पे आपको इसलिए ध्यान देना है। किसी भी एजेंट, किसी भी कंसल्टेंट आपको बोल दे कि सकते विदाउट नीड क्वालिफाई हुए MBBS एब्रॉड के लिए, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अगर बात करें कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप नीट क्वालिफाई होना आपके लिए ज़रूरी है। अब बताएं कि ये गवर्नमेंट कब इसको मैंडेटरी किया। तो गवर्नमेंट ने 2018 से मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप MBBS एब्रॉड करना चाहते हैं तो आपके लिए नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो अगर आप MBBS एब्रॉड के लिए आते हैं तो आप जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, आप आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्या हम विदाउट नीट कैन आई गेट एडमिशन विदाउट नीट इन यूक्रेन, रसिया, फिलीपींस, कजाकिस्तान विदाउट नीट। बट आपके पास समस्या, प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर आप एडमिशन विदाउट नीट लेंगे तो एजेंट एडमिशन करा देगा, लेकिन आप नेक्स्ट FMG जैसे एग्ज़ाम में, जिसको FMG को नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो आप नहीं दे पाएंगे, तो जस्ट आपका एक कूड़ा बनकर रह जाएगा। इसलिए आप नीट क्वालिफाई होना आपके लिए ज़रूरी होगा। क्या लास्ट ईयर नीट में कट ऑफ कितना था? अगर जनरल का बात करें, नीट में लास्ट ईयर 147 कट ऑफ था और OBC का 137 के आसपास था। ये मैं एक अप्रॉक्सिमेट बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ ये आता है, क्या अगर हम 2018 में नीट क्वालिफाई हैं तो क्या हम 2021 में एडमिशन ले सकते हैं? अगर 2019 में क्वालिफाई हैं तो 21 में एडमिशन ले सकते हैं? मेन क्वेश्चन ये है, क्या अगर हम नीट क्वालिफाई एक स्पेसिफिक ईयर हो गए हैं तो ये नीट क्वालिफाई हमारा, यानी कितना ईयर के लिए नीट क्वालिफाई कितना ईयर के लिए वैलिड होता है, अगर इस चीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से MBBS करना चाहते हैं तो आपको सेम ईयर में नीट क्वालिफाई होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप MBBS एब्रॉड से करना चाहते हैं तो आपका नीट क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए 3 साल तक वैलिड है। अगर आप 2019 में नीट क्वालिफाई हैं 2021 में एडमिशन ले सकते हैं, और सेम ईयर भी आप नीट एग्ज़ाम दें उस समय भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर अब जब आप नीट क्वालिफाई हो गए तो MBBS एब्रॉड के लिए आप आ सकते हैं। किन चीज़ पे आपको ध्यान रखना है? दूसरा चीज़ यह है कि आपको MBBS एब्रॉड आने के लिए 12 में मिनिमम आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा चीज़ यह आता है, ये भी हमने क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया तो अब उसके पास क्या होगा? उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप MBBS एब्रॉड का प्लान कर रहे हैं आने के लिए तो आप अपना पासपोर्ट सबसे पहले बनवा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का, मेरा फ्रेंड, उन्हें MBBS एब्रॉड आना था, नीट भी क्वालिफाई था, नीट में उसका अच्छा मार्क्स था 400 के आसपास, वो सिर्फ उसका एक सेमेस्टर बैक लग गया क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट के लिए एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस क्या होता है, अगर हम नीट क्वालिफाई भी हैं, 12 में मेरा इंग्लिश और बायोलॉजी में 50% से मार्क्स भी ज़्यादा है, कोई जनरल जेन्युइन कंसल्टेंसी और उससे आप कांटेक्ट करके एडमिशन कराएं। लेकिन ज़्यादातर कंसल्टेंसी ये करती है, आपसे एफिडेविट बनवा लेगी ज़्यादा पैसा का, फिर वो आपके साथ स्कैम करता। आप एक वीडियो, एक कंसल्टेंसी का एक लड़का खुद बना रखा है रशिया का, जिन्होंने 4th ईयर में जाकर उनके साथ स्कैम हो गया। स्कैम कैसा हुआ, वो फ़ी देते गए लेकिन उनकी कंसल्टेंसी थी वो फ़ी यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करते थे। लास्ट में जब उनको 4th ईयर में गए तो उनको पता चला यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 2 साल का ही फ़ी यूनिवर्सिटी में जमा किया है, बाकी 2 साल का फ़ी उन्होंने जमा नहीं किया। यूनिवर्सिटी से पेपर आया कि अगर आप फी नहीं जमा करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। फिर वो लड़का, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये स्लिप भी नहीं देते, बस विश्वास पे चलता है कि ठीक है आपको ट्रस्ट है, आपने फी दे दिया, ठीक है आपका फी जमा है, आप पढ़ रहे। जस्ट आप कोई एफिडेविट ये सब साइन ना करें, कोई सादा पेपर दे उस पर साइन ना कराएं। बहुत ही जेन्युइन जो होता है कंसल्टेंसी उसके साथ जाए। बहुत ऐसा कंसल्टेंसी है न्यू दिल्ली में जो आपके साथ स्कैम करने के लिए बैठा हुआ है। हर चीज़ ये है कि आप कभी भी एक पैकेज डिसाइड करके ना आए MBBS एब्रॉड के लिए। जैसे आपको बोलेगा आप 25 लाख दे दो, मैं फिलीपींस में, यूक्रेन में, रसिया में, चाइना में, जॉर्जिया में, कैरेबियन में, यहाँ यहाँ एडमिशन करा देंगे, आसानी से हो जाएगा, आपका क्लियर होगा।
क्या करेंगे, आपका 2 साल तक वो एजेंट फी भरेगा, उसके बाद वो भाग जाएगा कहीं, आप कहाँ ढूंढेंगे उसको। फिर आप अगर उस कंसल्टेंसी को खोजेंगे, पता भी चलेगा 2 साल का फी भरा, वो कहीं भाग गया। कंसल्टेंसी को ले बहुत, मतलब जिस पे ट्रस्ट है, जिसको आप जानते हैं, वही कंसल्टेंसी ले, ऐसे ही किसी को ना ले। बहुत सारा स्टूडेंट, आप वीडियो देख सकते हैं, स्कैम इन MBBS एब्रॉड, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक बच्चा है, उसका फर्स्ट में ही आएगा, रसिया का, वो एक कंसल्टेंसी, बहुत बड़ा कंसल्टेंसी इंडिया का, उसका एक्सपोज कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उसका वीडियो का, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब बात आता है कि अगर हमने सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो अब हमें क्या करना पड़ता है, आपको इनविटेशन और एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से निकालना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, एजेंट आपको चार्ज करेंगे 10,000 के आसपास, बोलेंगे कि 10,000 दो, और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे पैन कार्ड लेंगे और आपका 12th और 10th का मार्कशीट लेंगे, आपको स्कैन करा के उसको सेंड कर देना है, फिर वो आपका इनविटेशन और एडमिशन लेटर भेज देंगे। ये जब हो जाएगा, फिर आपको सेकेंड स्टेप आएगा। आप जब इनविटेशन लेटर और एडमिशन लेटर आपका आ जाए, तो आप उसमें एक चीज़ ज़रूर देखें, क्या हमारा जो पढ़ने का जो मीडियम है, किस लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल तो नहीं है, अगर जैसे हम रशिया जा रहे हैं तो रशियन में तो नहीं है, यूक्रेन आ रहे हैं तो यूक्रेन में यूक्रेनियन में तो नहीं है, यानी आपको देखना है कौन सी लैंग्वेज में मेरा वहाँ पे स्टडी के लिए है। अगर आपका स्टडी के लिए इंग्लिश में है, फिर आप आगे का प्रोसेस करें। कितने बार धोखा कर देते, और यूनिवर्सिटी नेम भी देखें इन्विटेशन और एडमिशन लेटर में। अगर सपोज करो हम क्यू मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हैं, तो क्या क्यू मेडिकल यूनिवर्सिटी में, लबीब में किया है तो लबीब में है, खारकी में किया है खारकी में है, सुमी में है। ये सारा चीज़ आप देख लें एडमिशन लेटर आने से पहले। कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनविटेशन और एडमिशन लेटर निकलवाने के लिए आप ओरिजिनल ना दें। उसके बाद जब आपको ये चीज़ ट्रस्ट आ जाए सारा सही है, फिर उसके बाद आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए आपको पासपोर्ट, 8 फोटो और 12th के मार्कशीट ओरिजिनल, ये भेजना पड़ता है। आप उसको भेज देंगे, उसके बाद आपका वीज़ा 15 से 20 वर्किंग डे में आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अप्लाई करें, मतलब जो भी कंट्री के लिए आप अप्लाई किए हैं वहाँ आ सकते हैं। अब आपके पास सबसे पहला चीज़ है कि आप कंट्री कैसे डिसाइड करें, किस कंट्री में हमें जाना चाहिए, कौन सा कंट्री हमारे लिए बेटर है अगर हम इंडियन हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप MCI के साइट पर जाएँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी MCI में रजिस्टर्ड है और कौन सा यूनिवर्सिटी MCI में रजिस्टर्ड नहीं है। जो यूनिवर्सिटी MCI में रजिस्टर्ड नहीं है उसमें आप ना जाएं। बहुत सारे आपको एजेंट होंगे, वो बोलेंगे कि आप ये यूनिवर्सिटी में चल जाओ, ये बहुत अच्छा है, कम पैकेज में दिला देंगे। फिर जाने के बाद आपको वहाँ पे स्कैम, जैसे एक यूनिवर्सिटी उड़ीसा मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में है, जिसका जो लाइसेंस था वो छिन गया, गवर्नमेंट ने ले लिया, तो अब आप अगर वहाँ पे एडमिशन कराते हैं तो आप स्कैम में पड़ जाएंगे। बहुत सारा यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में है, जैसे वहाँ पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को डायरेक्टली ब्लॉक कर रखा, वहाँ आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी होता है जिसका डेली नेम चेंज होता है, बच्चे के साथ स्कैम होता है, पैसा देते रहो सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास कराएंगे, ऐसा बहुत सारा यूनिवर्सिटी, बहुत सारा स्कैम होता है। और फिफ्थ चीज़ ये है, आप MBBS एब्रॉड आते हैं तो बहुत सारा एक्सपेक्ट होता है कि मेस होगा, हॉस्टल होगा, फिर वहाँ पे वहाँ के लोकल लोग ऐसे होंगे, ये चीज़ एक्सपेक्टेशन जितना होगा आप उससे 50% अपना एक्सपेक्टेशन कम लेके चले। इन्फॉर्मेशन हो गया, तो लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ, 4 चीज़ पे आप ध्यान रखें। सबसे पहला, नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी। दूसरा चीज़ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें मार्क्स 50% से ज़्यादा होना चाहिए और इंग्लिश में। तीसरा चीज़ है कार्ड, पासपोर्ट और 12th और 10th के मार्कशीट में सेम होना चाहिए। और चौथा चीज़ है कि आप कभी भी किसी एजेंट को एक बार में पूरा पैसा ना दे, 5 साल और 6 साल 5 और 6 ईयर का पैसा एक बार ना दे एज अ पैकेज। दूसरा चीज़ है रहने के लिए आपके पास ऑप्शन है अपार्टमेंट और हॉस्टल, जो 1000 के आसपास में पर ईयर आ सकता है, आप उसमें रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो स्कैम वाला वीडियो है एक, वो ऑप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना। आप इंस्टाग्राम पे भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज डायरेक्ट करके पूछ सकते हैं।